अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हीट वेव का आगाज़ हो चुका है, इस वक्त इस्लामाबाद में हीट वेव है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब चूँकि मई का महीना है और आधा महीना ऑलमोस्ट गुजर गया है, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा, तो कोशिश करें अपने साथ पानी की बॉटल तो लाजमी रखें। तो हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हूं और आज बड़ी आम पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को पेश किया गया वीडियो लिंक के ज़रिए, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि इतने अरसे बाद इमरान खान को आज वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया। लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और आइंदा समाज पर हो सकता है कि उनको बोलने का मौका दे दिया जाए और फिर देखा जाए कि वो आखिर क्या अपने दलाइल पेश करते हैं। शुक्र है कि सुबह के वक्त जितनी गर्मी और जितनी जो है वो हीट वेव चल रही थी, अब इस वक्त जो है वो बादल आ गए हैं, थोड़े थोड़े गर्मी है, हवा नहीं चल रही ठंडी ठंडी, लेकिन ये कि शुक्र है कि थोड़ा सा उस मौसम से रिलीफ आ गया है। और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ मैं, ये देखें जी इस वक्त मौसम हो गया है ऐसा। और दुआ करें कि ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो ताकि हीट वेव जो है वो ना हो और हीट वेव से ना निपटना सके हमें, क्योंकि हीट वेव बहुत ही मुश्किल होता है गुजारा करना ड्यूरिंग हीट वेव। और जब ख़ास तौर पर आपने काम पर भी जाना हो तो लाजमी सी बात है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक होती है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और इससे आपका बीपी जो है वो, इस दौरान आपका बीपी हर वक्त लो रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर लेमन है तो पानी में निचोड़ कर वो ज़रूर डालें। और अभी मेरा ख़ुद का भी गला खुश्क हो रहा है, हालांकि मेरे हाथ में पानी की बॉटल है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलते बोलते जो है वो मेरा गला इस वक्त खुश्क हो रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। और इसके अलावा मैं कह रही थी कि आज जब इमरान खान को अरसे के बाद वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और जितने भी लोग थे उनके फैंस से, इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा है, सब लोग वेट कर रहे थे कि इमरान खान कुछ बोलेंगे, लेकिन कोर्ट ने उनको आज इजाज़त नहीं दी। अब हो सकता है कि वो नेक्स्ट हेयरिंग पे बोले। और इसके अलावा अब नेक्स्ट हेयरिंग पे जो है वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग अहम होगी, उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन ये कि इस हवाले से अहम होगी कि इमरान खान को हो सकता है बोलने का मौका दिया जाए, या फिर दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि उनको ना लाया जाए वीडियो लिंक के ज़रिए दोबारा से। तो फ्रेंड्स, ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इमरान खान के केस के हवाले से। आप लोगों से मज़ीद बात भी होती रहेगी। इस मैसेज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दिल दुखाना बहुत बुरी चीज़ है और हमें नहीं पता होता, हम छोटी छोटी बातों से दूसरों का दिल दुखा देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि दिल दुखाना जो है वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।